हाय विवान, वेलकम बैक। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा टीवी एरिया मेकओवर, जिसके लिए मैंने बहुत सारे छोटे छोटे डीआईवाई किया है। उनमें से कुछ डीआईवाई मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये जो फेस्टिवल टाइम चल रहा है, इसके लिए मैंने आज का जो मेकओवर है उसे बहुत ही कलरफुल बनाया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और नीचे जो बेल बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। सो विदाउट एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। ये मेरे पास एक पुराना कैनवास बोर्ड था जिसके ऊपर मैंने ये टेम्पल शिप ड्रॉ किया है। अभी मैं इसे पेंट कर रही हूँ ऑरेंज, रेड एंड मैजेंटा कलर कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये ऑफलाइन बॉर्डर बना दिया है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग था। ये ट्राइबल फेस मास्क मैंने पहले ही बनाया था, इसे मैं स्टिकर हुक के मदद से इसके ऊपर हैंग कर दूंगी। आज का सेकेंड DIY है स्टैंडिंग लैम्प, जिसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ट्राइपॉड बॉक्स। अभी मैं नाइफ के मदद से इसके ऊपर कुछ ट्राइंगल शेप कट कर रही हूँ। अभी मैं फेविकॉल एंड पानी के मदद से इन नैपकिन को इसके ऊपर स्टिक कर रही हूँ। ये नैपकिन ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर और एक नैपकिन मैं स्टिक करने वाली हूँ। अभी मैं बना रही हूँ वॉल पुट्टी पेस्ट। इस लैंप के जो लोअर पोर्शन है इसके ऊपर हम धीरे से ये वॉल पुट्टी पेस्ट अप्लाई करेंगे। अभी मैं गोल्डन डस्ट पेंट से इस लैंप के ऊपर पेंट कर रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैं छोटे छोटे दो सर्कल शेप के कार्डबोर्ड के ऊपर ये थर्मोकॉल, सर्कल शेप के थर्मोकॉल मैंने स्टिक किया है। ये वो थर्मोकॉल है जिसके ऊपर सर्टेन रिबन रैप किया हुआ रहता है। अभी हम इस वायर को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे धीरे धीरे। अब चाहे तो इस बल्ब को लैम्प के जो नीचे वाले हिस्सा है वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हाइट देना चाहती थी तो इसीलिए मेरे पास ये पुराना एक कॉफ़ी मग स्टैंड था जिसके ऊपर मैं इसे प्लेस करने वाली हूँ। इस लैम्प के लिए मैं अलग से कोई भी स्टैंड नहीं बना रही हूँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे जो यूज़ करते हैं ना, जो स्टैंड जिसके ऊपर गरम खाना रखते हैं, उसके ऊपर मैं ये लैम्प प्लेस करने वाली हूँ। DIY है कुछ बॉटल आर्ट, और ये जो पहला बॉटल है इसे मेरा बेटा पेंट कर रहा है वाइट एंड गोल्डन पेंट से।
वो हमेशा मुझे देखता रहता है कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ, तो उसे भी काफ़ी इंटरेस्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो ही ऑल्सो वॉन्टेड टू पेंट बॉटल। ये है एक पुराना प्लास्टिक जार जिसे मैं पेंट कर रही हूँ डार्क ऑरेंज कलर से। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर मैंने कुछ गोल्डन शेड बना दिया है और अभी मैं इसके ऊपर स्टिक कर रही हूँ कुछ ग्लास मिरर। ग्लास मिरर स्टिक करने के बाद ये जो बॉटल आर्ट है बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा वो टीवी यूनिट जिसे हम मेकओवर करने वाले हैं। सो दिस इज द बिफोर लुक ऑफ दिस मेकओवर। आप देख सकते हैं पीछे ये हमारा टीवी यूनिट है और यहाँ पे जो लैंप मैंने बनाया इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया है और इससे यहाँ पे बहुत सारे वायर्स है जिसे मैं यहाँ से बांधने वाली हूँ। इससे अभी मैं एक एक करके जितना सारा DIY बनाया है उसे यहाँ पे प्लेस करने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत सारा वायर्स है तो इसे हाइड करने के लिए मैं इसके सामने प्लेस कर रही हूँ ये मंडाला आर्ट फोटो फ्रेम जिसे भी मैंने बहुत पहले DIY किया था। दिवाली के समय है तो सामने मैं कुछ दिया रख रही हूँ और ये है वो प्यारा सा बॉटल आर्ट जिसे मैं एज अ फ्लावर वर्स यूज़ कर रही हूँ और ये है कुछ सेट ऑफ हैंड पेंटेड बॉटल आर्ट जिसे मैंने इसी वीडियो के लिए ही DIY किया है और ये है मेरे बेटे के बनाया हुआ बॉटल आर्ट। नाउ ये जो कैनवास है इसे मैंने पेंट किया है और ये जो देख रहे हैं ये मास्क मैंने बहुत पहले ही बनाया था ट्राइबल फेस मास्क, लेकिन बिलीव मी गाइस इसे मैंने बहुत सारे वॉल में रख के देखा लेकिन वहाँ पे उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना इस कैनवास बोर्ड के ऊपर ही अच्छा लग रहा है। इसे अभी हम यहाँ पे हैंग करने वाले हैं। ये एक टेम्पल शेप के कार्डबोर्ड से मैंने बनाया है तो इसे मैं यहाँ पे प्लेस करने वाली हूँ। इस जगह का जो डेकोर है ये भी मैं करने वाली हूँ विथ ऑल माय DIYs। तो ये कुछ प्लेट आर्ट है जिसे मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, कुछ महीनों पहले, तो उसे अभी हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। ये है बॉटल आर्ट एंड इसके ऊपर जो दिख रहे हैं ये भी मैंने DIY किया था कुछ फ्लावर्स। इसे हम प्लेस करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया है। ये है लाफिंग बुद्धा एंड बुद्धा जी, दोनों को मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। एक बॉटल आर्ट है जिसे मैंने बहुत पहले बनाया था, इसे रख रही हूँ। ये भी मेरा DIY है प्लांट आर्ट। यहाँ
यहाँ पे मैं रख रही हूँ कुछ डायरीज एंड बुक्स। ये भी मैंने DIY किया था, इसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप चाहे तो जरूर जाके चेक कर सकते हैं। इसे मैं प्लेस कर रही हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे रख रही हूँ एक प्लांटर टू गिव सम एक्स्ट्रा कलर। ये मेरे बेटे का ब्लॉग से इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। कुछ फेरी लाइट्स है जिसे मैं नीचे यहाँ पे रख रही हूँ और ये है गणपति जी की मूर्ति। यह है मेरे ही बनाए हुए एक DIY बास्केट। अभी मैं इसमें प्लेस कर रही हूँ एक एरिका पाम। अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस मेकओवर का फाइनल लुक। प्लांट्स के ऊपर मैंने लगा दिया है कुछ फेरी लाइट्स। और ये है वो DIY लैम्प जिसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपके साथ शेयर किया था। एंड दिस इज द मोस्ट ब्राइट एंड ब्यूटीफुल स्पेस ऑफ दिस TV यूनिट। ये सामने के जो छोटे छोटे रेड एंड व्हाइट कैंडल होल्डर आप देख रहे हैं, इसे भी मैंने DIY किया है और इसके ऊपर मैंने लगा दिया है ये ब्यूटीफुल सा ग्लास मिरर। यहाँ पे मैंने रखा है कुछ छोटे छोटे लाफिंग बुद्धा और साथ में है ये हमारे गणपति जी। दोस्तों मेरे चैनल में दिवाली रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आप चाहें तो ज़रूर देखें। सारे वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट करके। आप सभी को मेरे तरफ से दिवाली की ढेर सारा प्यार एंड शुभकामनाएं। आशा करती हूँ ये दिवाली आपका बहुत अच्छा बीते। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।